ससुराल सिमर का कुछ रंग प्यार के ऐसे भी जैसे टीवी सीरियलों में नजर आ चुके एक्टर आशीष रॉय की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आशीष कई महीनों से किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही कई महीनों से अस्पताल में भर्ती आशीष इसलिए डिस्चार्ज हो गए थे क्योंकि उनके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में आशीष ने अपनी परेशानियों पर बात की। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में आशीष ने कहा कि मैं अस्पताल में भर्ती होने का खर्चा और ज्यादा नहीं उठा सकता, इसलिए घर वापस आ गया। उन्होंने मेरी गर्दन में एक टेम्पररी कैथेटर लगा दिया है, इससे मुझे काफी तकलीफ होती है क्योंकि यह एंटीना की तरह चुभता है। मैंने डॉक्टर से इसे निकालने के लिए कहा था, लेकिन यह 10 डायलिसिस सेशन के बाद ही तभी निकलेगा जब मेरी सर्जरी होगी। मेरी किडनियां खराब हो चुकी हैं और मुझे किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत है जिसमें तकरीबन 1,00,000 रुपए का खर्चा आएगा। इसके पहले आशीष ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया था। इसी साल जनवरी में भी आशीष गोरेगांव के एक अस्पताल में भर्ती हुए थे, तब उनके शरीर में 9 लीटर पानी जमा था। 4 लीटर पानी निकाल दिया गया था जबकि 5 लीटर बाकी रह गया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद आशीष ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया था। उन्होंने लिखा था, सुबह की कॉफी बिना शक्कर की, ये मुस्कुराहट मजबूरी में है जी, भगवान उठा ले मुझे। हम आपको बता दें, आशीष एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं और उन्होंने हॉलीवुड की फिल्म जोकर के हिंदी वर्जन में अपनी आवाज भी दी है। इन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ एंड व्यूज़ को।